आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज ही हमारे पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें मेरे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष हिंदी प्रकोष्ठ के भाई मुन्ना प्रसाद, हमारे काउंसिलर मानिक दे जी और हमारे नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षगण उपस्थित हैं, जिसकी घोषणा अभी कुछ ही समय पश्चात हमारे जिलाध्यक्ष मुन्ना प्रसाद जी करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात जो मुख्य तौर पर हमें कहनी है कि पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ, जिसकी कुछ समय पूर्व ही जिसको वापस गठन किया गया था और पूरे पश्चिम बंगाल में हमारी जो टीम है, जिला की टीम, ब्लॉक की टीम, इन दिनों हिंदी भाषा भाषी लोगों के मध्य व्यापक रूप से काम कर रही है और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं, राज्य सरकार की जो जन उपयोगी नीतियाँ हैं, राज्य सरकार ने हिंदी भाषा भाषी समुदाय के लिए जो अनुकरणीय कार्यक्रमों के दिव्य श्रृंखला प्रस्तुत की है, हम उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इन दिनों खासकर आगामी 5 तारीख तक पश्चिम बंगाल के प्रत्येक ब्लॉक में हमारे हिंदी भाषा भाषी समुदाय का लोगों का हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा स्तरीय हिंदी भाषा भाषी सम्मेलन इस 5 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसी श्रृंखला में पूरे राज्य के साथ हमारे ये उत्तर बंगाल में भी और खासकर जलपाईगुड़ी डिवीजन के 5 जिलों में भी हम लोग व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। आज शाम को हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी वो सिलीगुड़ी आ रहे हैं। इन दिनों सिलीगुड़ी में आज हमारे देवीडांगा बाजार में माटीगढ़ा 2 ब्लॉक का सम्मेलन है। 28 तारीख को भी हमारे 2 ब्लॉक के सम्मेलन है और 3 तारीख को, आगामी 3 तारीख को सिलीगुड़ी विधानसभा व्यापी हिंदी भाषा भाषी सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। 27 तारीख को कुछ बिहार में एक बड़ा सम्मेलन, विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री विवेक गुप्ता अंशग्रहण करेंगे और हम सभी लोग पूरे उत्साह के साथ उसमें रहेंगे। हमारे जलपाईगुड़ी जिले की भी ब्लॉक सम्मेलनों की तिथि का निर्धारण हो चुका है। आगामी कल से लगातार प्रत्येक ब्लॉक में हमारे हिंदी भाषा भाषी लोगों का सम्मेलन होगा। अलीपुरद्वार जिले में भी आगामी रविवार से प्रत्येक दिन प्रत्येक ब्लॉक में हमारे सम्मेलन होंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम राज्य सरकार के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि दीदी ममता बनर्जी ने समाज के विभिन्न वर्गों को, धर्मों को, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के लिए जो व्यापक कार्य किए हैं, ये एक अनुकरणीय एग्जाम्पल है। सारे भारत में ऐसे काम देखने को नहीं मिलते। स्वाभाविक तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को जब हम दृष्टिगत रखते हैं तो हम में ये विश्वास जगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में 2016 के इतिहास की पुनरावृत्ति करते हुए एक नया सर्वोच्च रिकॉर्ड तृणमूल पार्टी दीदी ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। आज इस सम्मेलन में, इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करते हुए अब मैं भाई मुन्ना प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि वे दार्जिलिंग जिले के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष गणों को सूची आपके समक्ष रखे और उनकी घोषणा करें। अच्छा, हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हिंदी प्रकोष्ठ के संजय शर्मा जी, कोऑर्डिनेटर वार्ड नंबर 13 के मानिक दे जी और आज जो हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट के नाम, वो सारे लोग उपस्थित हैं। अभी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के प्लेन के अंदर में 10 ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉकों के नाम और जो प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा उनका नाम मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। सिलीगुड़ी टाउन 1 संजय राउत, सिलीगुड़ी टाउन 2 बचराज भोतरा, सिलीगुड़ी टाउन 3 प्रकाश चंद्रा, माटीगढ़ 1 संतोष चौधरी, माटीगढ़ 2 कृष्णा सिंह, नक्सलवाड़ी 1 अंबुज राय, नक्सलवाड़ी 2 किशन नाथ सिंह, खोरीबारी अर्जुन जयसवाल, फांसीदेवार 1 पप्पू रजक, फांसीदेवार 2 सुनील महेश्वरी। ये हमारे जो ब्लॉक्स हैं 10 ब्लॉक, ब्लॉक के प्रेसिडेंट का नाम हम लोगों ने अपने जो हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विवेक गुप्ता जी हमारे पार्टी के और हमारे जो प्रकोष्ठ के इस स्टेट के अध्यक्ष उनसे अनुमति लेके, उनका अप्रूवल लेने के बाद ये हम लोगों ने ब्लॉक प्रेसिडेंट का नाम घोषणा किया है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आज ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे नियुक्त हुए हैं सभी लोग अच्छे काम करेंगे,
दीदी के जो विकास हुआ है वो घर घर तक पहुंचाएंगे और हिंदी प्रकोष्ठ दीदी ने जो बनाया है इसका नाम को और आगे तक ले जाना हम लोगों का काम रहेगा। हमारे जो प्रार्थी होंगे, हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको जिताने का काम करेगा ये हिंदी प्रकोष्ठ के ब्लॉक प्रेसिडेंट। धन्यवाद।